नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में जिस तरह के हम क्वेश्चन कवर करेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हम इसमें कवर करने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न जैसे ये, कुछ पजल के फॉर्म में, कुछ महीनों वाले क्वेश्चन, कुछ महाजनी क्वेश्चन डिफरेंस वाले, कुछ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, कुछ रेस वाले क्वेश्चन, जी हाँ, जिसमें दौड़ भाग लगी रहती है दो प्रिंसिपल्स में, बराबर होने की, आगे निकलने की होड़ में। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि मैक्सिमम आप फ़ायदा उठा पाएँ इस वीडियो का। दोस्तों, वीडियो नंबर 4 है और जैसा कि मैंने आपको बताया, चूँकि वीडियो नंबर 4 है तो इसके पहले के 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप वो 3 वीडियो पहले देखें, उनसे संबंधित होमवर्क करें, क्योंकि होमवर्क जो है वो 1 to 126 क्वेश्चन का है अभी तक, और जिनके पास शीट अवेलेबल है हार्ड कॉपी में, जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी, अच्छी बात है, जिनके पास शीट नहीं है, मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक पेस्ट कर दिया है, वहाँ से आप शीट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, काफ़ी हो गई बात, और कुछ ऐसी शीट आप लोगों के पास में होगी। पढ़िए 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, स्वयं करने की कोशिश करें। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। वीडियो पॉज कर लिया जी, कर लीजिए, कर लिया कीजिए, वीडियो पॉज कर लिया कीजिए जी। गुड, चेक करते हैं कितने लोग आप में से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, कितने नहीं कर पाए। दोस्तों, पहले तरीके से प्रश्न हल करते हैं, बिल्कुल सिंपल PRT। हम जानते हैं PRT में क्या बात ध्यान रखनी होती है, PRT/100 दैट इज़ इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। एक बात ध्यान रखनी है कि ये बाय डिफॉल्ट एनुअल होते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ जो हम काम लेते हैं, वो काम लेते हैं हम इमेज। ये तो इस चैप्टर के बेसिक हैं जो हम पिछले 3 वीडियो से सीख चुके हैं। इमेज का मतलब है पूरे क्वेश्चन को एक साल में कन्वर्ट कर लेना। चलिए पहले मेथड से समझते हैं। तो मूलधन अगर 4 रुपये है और मिश्रधन 5 रुपये है, तो ब्याज हुआ 1 रुपया 4 रुपये पर। समय मुझे मालूम नहीं है, रेट मुझे मालूम नहीं है, मैं बटा 100 कर देता हूँ। बताइए कितनी इक्वेशन हुई, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल। गुड, एक इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल कभी सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरी स्थिति में क्या है, उसके 3 साल बाद में, कि 5 रुपये अगर मूलधन है तो उसी ब्याज दर पर 7 रुपये मिश्रधन यानी 2 रुपये ब्याज मिलता है। तो हम जानते हैं 5:7, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को और 7 रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को, 2 रुपये ब्याज हुआ। टाइम जो है दोस्तों 3 वर्ष के उपरांत लिखा है, आफ्टर 3 ईयर्स, यानी यहाँ पर टाइम T+3 हो जाएगा, और ये हो गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। तो देखो दोस्तों, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है। हम सब जानते हैं कि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, जब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है तो आंसर को तो आना पड़ेगा। तो ये तो साधारण तरीका है, इससे आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, योर लाइफ योर चॉइस। कभी भी आप इस पर आधारित क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। एक दूसरे तरीके से हम प्रश्न समझते हैं कि अगर हम इसे हमारे तरीके से समझना चाहें, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जब हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा। दूसरा तरीका बहुत आसान है, मन में ही सॉल्व कर पाएंगे, इतना आसान है। मुझे ये मालूम पड़ा कि प्रिंसिपल 1 बार 5 है, अमाउंट 1 बार, प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट 5 है, प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 7 है, रेट मुझे दी नहीं है, रेट तो मुझे बतानी है, और टाइम जो है वो मुझे 1 बार x दिया है और 1 बार x+3 दिया, यानी इन दोनों टाइम में 3 साल का मुझे अंतर दिया है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ इमेज की, पूरे क्वेश्चन को एक साल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बहुत सिंपल सी, आसान सी, समझने योग्य बात है कि 4 रुपये अगर मैंने इन्वेस्ट करे, 4 रुपये अगर मैंने इन्वेस्ट करे और 5 रुपये मुझे वापस मिले, तो मेरा ब्याज हुआ 1 रुपये,
कितने पर? 4 पर। और मैं जानता हूँ 1/4 कितना होता है? 25%। तो पहले वाले केस में मुझे 25% ब्याज मिला है, कितने सालों के लिए मैं नहीं जानता। ऐसे ही दूसरे वाले केस की बात करते हैं। 5 रुपये मैंने जमा कराए, 7 रुपये मुझे वापस मिले, 2 रुपये मेरा ब्याज हुआ, कितने पर? 5 पर। तो 2/5 होता है दोस्तों 40%। कुल मिलाकर के इस वाली स्थिति में, फर्स्ट वाले केस में मुझे ब्याज मिल रहा है 25%, और केस टू में मुझे ब्याज मिल रहा है 40%। ये 15% का अंतर कितने वर्षों में आ रहा है? एक्यूरेटली दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है 3 सालों का ब्याज है 15%। तो मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा? 5%। और यही मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप बेसिक तरीके से PRT से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 5% ही आएगा। गुड इनफ। चलिए पहली स्थिति वाला समय बताइए, इसका एक सब क्वेश्चन है। फाइंड आउट टाइम इन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस वाला टाइम। तो देखिए 5%, चूंकि मुझे हर साल ब्याज मिल रहा है, और मुझे कुल ब्याज कितना मिला है? 25%। इस प्रकार के हमने प्रश्न पढ़े हैं। तो कितने वर्षों में मिलेगा बताओ? 5 वर्षों में, 25। दूसरी वाली स्थिति का समय बताइए। तो दूसरी वाली स्थिति में मुझे 40% ब्याज मिल रहा है, 40 को 5 से भाग दे देते हैं, तो 8 साल में मुझे 40% ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 वर्ष में मुझे ब्याज मिलता है केवल 5%। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि दोनों में चूंकि 3 साल का अंतर है, और मान लो पहले मैंने 5 साल निकाल ही लिया, तो 5 और 3 8 साल वैसे भी आ जाएगा। दोस्तों जिनको फ्रैक्शन याद है उनके लिए तो वरदान है, मन में ही सॉल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसे आप मन में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 128 का हम जिक्र करेंगे। चलिए 128 मेन क्वेश्चन की बात करें, वीडियो पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप अब तक आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है 10 और 13, यानी 10 रुपये मैंने जमा कराए और 3 रुपये मुझे ब्याज मिला, तो 30% हो गया पहले वाली कंडीशन में। दूसरी वाली कंडीशन में मैंने 5 रुपये जमा कराए और मुझे 7 रुपये वापस मिले, यानी ब्याज हुआ 2 रुपये। 2 रुपये अगर ब्याज हुआ कितने पर? 5 पर। तो 2/5 होता है दोस्तों 40%। कुल मिला के दोनों स्थितियों का जो अंतर है वो 10% है, और 10% अंतर कितने वर्षों में आया है? 5 वर्षों में आया है। तो मैं जानता हूँ 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 2%। तो दोस्तों मुझे ब्याज दर मिल गई, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 2%। मैं चाहता इसे मन में कर सकता था, अपनी अपनी बात है, मैं आपको समझा सकता हूँ इसलिए लिख के कर रहा हूँ। अदरवाइज 30% ये, 40% ये, 30 और 40 का अंतर 10%, 10% बराबर 5 साल में, तो 1 साल का हुआ 2%। चलिए ब्याज की दर आ गई 2%। अब मान लो मेरे से टाइम पूछ लिया जाए, तो हम ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 128। मेरे से अगर टाइम पूछ लिया जाए तो पहले वाला टाइम होगा दोस्तों 15 वर्ष, और दूसरे वाला टाइम होगा 20 वर्ष। फेयर इनफ। चलिए वीडियो पॉज करें, वापस 128 का क्वेश्चन नंबर ए भी हल करें स्वयं। कोशिश करें कि आप मन में सॉल्व कर लें, कोशिश करें, जरूर हो जाएगा। याददाश्त के लिए चाहे थोड़ा बहुत लिख लीजिए। देखिए 5 रुपये के 6 रुपये हो गए, यानी ब्याज हुआ 1 रुपये, कितने पर? 5 पर। तो ये 20% हो गया। 2 रुपये के 3 रुपये हो गए, मतलब 1 रुपये ब्याज हुआ, 1/2 होता है 50%। कुल मिलाकर के मेरे बात समझ में आ गई कि 30% ब्याज का अंतर है, और वो 10 वर्षों में है, तो 1 वर्ष का कितना हो गया ब्याज? 3%। तो ब्याज की दर मुझे मिल गई 3%। बिल्कुल आसान है। और हाँ, अब अगर मैं चाहूँ कि मैं समय निकालना चाहूँ, तो दोस्तों ये समय होगा 20/3 वर्ष, या फिर 6 सही 2/3 वर्ष, और चूँकि 10 साल इसमें जोड़ दूंगा तो ये वाला समय आएगा 16 सही 2/3 वर्ष। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन यदा कदा परीक्षा में आते हैं, और जब भी ये क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो बोनस मार्क्स लेके आते हैं। मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सामान्यतः जो परीक्षा होती है जिसमें स्केलिंग या जिसे नॉर्मलाइजेशन भी कहा जाता है, ये तब होती है जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हो। भैया किसी परीक्षा में 100 प्रश्न आए, आपके पड़ोसी की भी 100 प्रश्न आए, आपने 70 प्रश्न करे, आपके पड़ोसी ने भी 70 प्रश्न करे। अब हो क्या रहा है कि आपके पड़ोसी ने जो 70 प्रश्न करे वो सारे के सारे आसान वाले कर दिए, और आपने जो 70 प्रश्न करे उसमें 50 प्रश्न तो आप दोनों के कॉमन थे, 20 प्रश्न इसने आसान वाले करे, 20 प्रश्न आपने मुश्किल वाले करे।
तो 50 नंबर तो आपको यहाँ से मिले और 50 नंबर इसको यहाँ से मिले, इसको यहाँ से 20 ही नंबर मिले जबकि आपको यहाँ से 40 नंबर मिले। तो दोस्तों आपके आए 90 नंबर, इसके आए 70 नंबर, सारे के सारे प्रश्न सही गए ये मान रहे। तो कभी कभार जब ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है। बोनस मार्किंग आप कह लीजिए, स्केलिंग जिसे हम कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन, वैसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पर होता है कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं और वो के मुकाबले आप कितने तेज हैं। चलिए एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है, स्वयं ही कर सकते हैं, गुना वाला क्वेश्चन है, मैंने वीडियो नंबर 3 में आपको इसको पढ़ाया है। वीडियो पॉज करें, स्वयं करने की कोशिश करें। तो अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन द 5 ईयर्स, तो डबल हो जाती है मतलब ब्याज हुआ 1 रुपये और प्रिंसिपल भी हुआ 1 रुपये 5 साल में। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 20%। फिर तथा किसी अन्य दर पर 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी होने का मतलब हुआ ब्याज हुआ 2 रुपये, ब्याज हुआ 2 रुपये, प्रिंसिपल हुआ 1 रुपये, टाइम है 12 साल बटा 100, यहाँ लिख देंगे आर, ये कट जाएगा 6 और 100/6 हम सब जानते हैं 16 सही 2/3% हुआ। तो पहले वाले केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो 20% है और दूसरे वाले केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16 सही 2/3% है। प्रश्न हमसे बस डबल मेहनत करा रहा है कि पहले वाली रेट भी निकालो दूसरे वाली रेट भी निकालो। अभी क्या करेगा कि पूछेगा कि कौन सी रेट ज़्यादा वाली है वो बताओ या कौन सी रेट कम वाली है वो बताओ। पढ़ लेते हैं प्रश्न, कम ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो देखो दोनों में कम है, 16 सही 2/3%, हम आंसर मार्क कर देंगे 4th ऑप्शन। बिल्कुल आसान, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नए तरह के क्वेश्चन दोस्तों। 136 डिफरेंस वाले क्वेश्चन जिसे मैं महाजनी क्वेश्चन नाम से जानता हूँ। वीडियो पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने प्रश्न हल कर लिया होगा। और एक चीज़ समझिए कि जितने भी क्वेश्चन डिफरेंस वाले आते हैं, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में यानी अंतर वाले क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंस, देखिए मैं आपको पहले दिन से पीआरटी पढ़ाता रहा हूँ क्योंकि पीआरटी इज़ द बेस्ट, दोनों तरफ एक एक वेरिएबल का अंतर रखा जाता है। बोथ साइड्स डिफरेंस ऑफ वन वेरिएबल इज पुट। तो दो आप सोच रहे हैं कि कौन से दोनों तरफ सर, देखिए पीआरटी की मैंने अभी बात करी, SI इज इक्वल टू पीआरटी। तो दोस्तों क्या होगा जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंस वाले, तो दोनों तरफ एक एक चीज़ का अंतर आएगा। तो जैसे आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही अंतर आएगा, और राइट हैंड साइड में चूंकि पी या फिर आर या फिर टी का अंतर, किसी एक का अंतर, बस हमें ये लिखना है, बाकी पीआरटी से ही हमारा आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। और हम देखते हैं कि किसका हम अंतर रखेंगे, तो किसका अंतर रखना है यह बात डिपेंड करती है जो क्वेश्चन में 2 बार दिया होगा, जो क्वेश्चन में 2 बार दिया हो। चलिए समझते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने कॉपी कर लिया है। और अब आप वापस इस पर आते हैं तो अरे कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। तो देखिए बैंक द्वारा साधारण ब्याज की दर 5 से घटा के 3 कर दी, मतलब 2% का अंतर आया ना। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बार दी हुई है, ये पीआरटी का फॉर्मेट बनाया, ये 2/100 लिख दिया। वार्षिक आय 400 रुपये कम हो गई तो ये 400 लिख दिया, क्योंकि वार्षिक की बात करिए साल 1 हो गया, बस मुझे पी बताना, दैट्स इट, आ जाएगा अपना अंतर।
ये दो से कटेगा दो बार और प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20,000। इस क्वेश्चन को दोस्तों विशेष याद रखना, थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन फिर आएगा, फिर रिपीट होगा, मैं इसको वापस कराऊंगा आपको एक बार। आ गया समझ में? जो लोग सिंपल पीआरटी से करना चाहें उसमें लंबा स्टेप पड़ेगा। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या आएगा आपके, हमेशा आएगा सिंपल इंटरेस्ट। एक बार राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमेशा क्या आएगा, या तो पी आ सकता है, या आर आ सकता है, या फिर टी आ सकता है, कोई भी एक का अंतर रखना है। किसका अंतर रखना है सर, मैं कैसे पहचानूंगा भैया, वो चीज़ दो बार दी होगी उसका आप अंतर रख दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, स्वयं हल करें, वीडियो पॉज करें। 137 आपको सॉल्व करना है। चलिए अब तक आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखिए इस बार 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी थी, समय दो बार दिया है, तीन और चार, तो अंतर रख देंगे एक, प्रिंसिपल की जगह पी और डिफरेंस की जगह 70। ये 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, और प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया, 700। बस आ गया अपना आंसर। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ पीआरटी बेस्ट है, पीआरटी बेस्ट है, पीआरटी बेस्ट है। कुछ लोग मैं देखता हूँ, काफ़ी लोग जो मन में आ रहा जो पढ़ा रहे हैं, जो जच रही है जो पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बस पीआरटी नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि पीआरटी किताब का मेथड है। हम तो किताब का मेथड नहीं पढ़ेंगे भाई, हमारा नाम खराब हो जाएगा। जहाँ किताब बेस्ट है वहाँ किताब बेस्ट है, बस बेस्ट है मतलब बेस्ट है, इससे ऊपर आप कहीं ना जाएं। दोस्तों मैं बीच में भूल गया, आप वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो अभी कर दीजिए, और जब आपको पूरा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए 138 आप हल करें, वीडियो पॉज कर लीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए। आई होप अब तक आपने कर लिया होगा, यू वुड हैव डन दिस। ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए पैसे लगाए 3,000 और 3,200, तो देखो दो बार प्रिंसिपल आ गया तो 200 रुपये का अंतर लिख देते हैं। 2.5 वर्ष को लिख देंगे 5/2, 100 की जगह 100 आ जाएगा। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है जबकि अंतर है 40 रुपये का, 40 रुपये अधिक का मतलब है 40 रुपये का अंतर। ये मैंने अंतर लिख दिया, ये इन दोनों का अंतर लिख दिया, 2.5 साल लिख दिया, बस मार्कोटाई शुरू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 40 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, और ये 4 दुनी आ गया दोस्तों 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 8%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और भी ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चैलेंज के तौर पर लें आप इस क्वेश्चन को, चैलेंज के तौर पर इस क्वेश्चन को आप लें, और बहुत बढ़िया है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इसे सही कर लेंगे, और मुझे इस बात की भी उम्मीद है, या उम्मीद तो नहीं, मुझे इस बात का डर है कि आप में से कुछ लोग इसे गलत भी कर सकते हैं। करें देखिए क्वेश्चन सॉल्व। वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। जिन लोगों का आंसर 6,000 है, मैं उनको बता दूं कि 6,000 आंसर गलत है। हो सकता है जिन लोगों ने गलत किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 360 रख दिया, वेरी गुड, प्रिंसिपल की जगह पी रख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 9 और 12 का अंतर 3 रख दिया, और टाइम की जगह 4 और 2 का अंतर 2 रख दिया, और अपना आंसर निकाल लिया। और वो इस बात को भूल गए, 6 से कटेगा 60 बार, वो इस बात को भूल गए कि दोनों तरफ एक एक बार ही अंतर आता है, मैंने बताया था। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, वापस देख लीजिए आपकी स्लाइड, मैंने अभी ही लिखा था कि दोनों तरफ एक एक वेरिएबल का ही अंतर आएगा। अब आपका सवाल कि सर पिछले प्रश्न में तो दो जगह वेरिएबल दे रखे हैं ना, पी का भी अंतर और आर का भी अंतर है, तो इधर तो सिंपल इंटरेस्ट का ही आएगा। अगर 2 या 3 का अंतर हो तो पहले गुणा करें, फिर आप अंतर पुट करें। फर्स्ट इफ देयर आर डिफरेंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स, फर्स्ट
मल्टीप्लाई देम देन पुट देयर डिफरेंस। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और चलिए तो देखिए, एक बार रेट 9 है और एक बार 12 है। जब 9 है तो 9 चौक 36% हो गया। कुल मिलाकर के हम क्वेश्चन को इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुल मिलाकर ब्याज मिलेगा मुझे 36% मिलेगा ना, ये सही तरीका रहा। और 12 दूनी होता है 24%, 36 और 24 का अंतर होता है दोस्तों 12। तो रेट और टाइम दोनों की जगह 12 आ जाएगा, पी की जगह पी आ जाएगा, ये बटा 100 आ गया। और डिफरेंस वही है 360, ये 12 से कट जाएगा 30 बार और मेरा आंसर आएगा दोस्तों कितना, 3000। तो 3000 जिन लोगों का आंसर आया वो बिल्कुल सही होगा, जिनका आंसर 6000 आया वो बिल्कुल गलत है। एक और ऐसा प्रश्न करते हैं दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा आपको। 150, इस बार गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। आई एक्सपेक्ट अब तक आपने आंसर निकाल लिया हो। समान धनराशि स्कीम ए एवं स्कीम बी में क्रमशः 6 वर्षों एवं 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। दोनों स्कीम 12% एवं 8% वर्ष की दर से साधारण ब्याज देते हैं। दोनों स्कीमों से प्राप्त ब्याज का अंतर 1280 है। तो ये 1280 रुपये तो रख दिया मैंने डायरेक्ट अंतर, क्योंकि मैं जानता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में केवल अंतर ही आना है। अब देखिए 12 छंग होता है, क्योंकि जब साल 6 है तो रेट 12 है और जब साल 8 है तो रेट भी 8 है। 12 छंग 72, 8 × 2 = 64, 72 और 64 का अंतर होता है दोस्तों 8/100 और ये प्रिंसिपल 8 से काट देते हैं, 8 × 8 = 8, 16 × 8 वैसे तो 128 होता है, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 16000। दोस्तों बिल्कुल सही तरीका है और आंसर भी सही है। देखिए ये क्वेश्चन विशेष है। ये क्वेश्चन विशेष क्यों है, क्योंकि जो गलत तरीका पिछले बार पिछले क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट ने काम लिया होगा वो गलत तरीका भी यहाँ पे शायद लग सकता है। ये 1280, ये प्रिंसिपल, रेट का अंतर 4 और टाइम का अंतर 2/100। तो गलत तरीके से भी क्या है, यहाँ पर आंसर हमारा सही आ रहा है, पर गलत तरीके से आंसर सही आना महज एक तुक्का माना जाएगा। तुक्का इसलिए, तुक्के को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लूक, फ्लूक तुक्का इसलिए दोस्तों क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे हल नहीं होंगे। तुक्का है, बैठ गया किसी क्वेश्चन में, कोई इंसिडेंटली संयोग से ऐसा हो गया। हर प्रश्न में ऐसा नहीं होगा, हर प्रश्न में तुक्का नहीं लगेगा। चलिए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। 152, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक स्टेप में करने की कोशिश कीजिए। हिंट आपको दे देता हूँ, दो हिंट देता हूँ। पहला, क्वेश्चन को इमेज मान के सॉल्व करें, दूसरा वीडियो पॉज कर लें। चलिए आशा करता हूँ अब तक आपने प्रश्न हल कर लिया होगा। सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिया। इसमें उसने कुछ रुपए जोड़े और मोहित को उधार दे दिए। तो विकास से लिए, विकास से पैसे लिए किसने, सोहित ने, और सोहित ने इसमें कुछ पैसे जोड़ के दे दिए मोहित को इतनी ही अवधि के लिए 16% ब्याज दर पर, इसमें कुछ पैसे जोड़े भी हैं जिसके कारण इसको 618 रुपये का लाभ हुआ। तो मैं दोस्तों क्वेश्चन को उल्टा लिख देता हूँ, मैं इसको आगे कर देता हूँ और इसको पीछे कर देता हूँ। कि मान लीजिए सोहित ने विकास से जो पैसे लिए वो सपोज एक्स रुपये थे या पी रुपये थे, तो पी नहीं दे रखे ना रुपये, तो 6300 है। तो देखिए 6300 का 1% होता है 63, और जो कुल ब्याज देगा वो देगा 14/42%। तो ये तो ब्याज देगा विकास सोहित को, और सोहित मोहित से जो पैसे लेगा ब्याज के तौर पर वो क्या होंगे, वो होंगे जो इसने इसको अतिरिक्त भी दिए 6300 + x जो इसने अतिरिक्त रुपए इसको दिए का डायरेक्ट कितना प्रतिशत, 16% एक साल का है और उतनी ही अवधि मतलब पहले वाली अवधि यानी 3 वर्ष, 16 + 3 = 48%। तो 48%
इसको इसमें से माइनस करने पे आना चाहिए 618 रुपये। दैट्स इट, बस दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, आंसर को तो आना ही पड़ेगा। करिए फटाफट जोड़ भागी गुणा भाग और निकाल लें अपना आंसर। चलिए 42 से ही अगर मैं इसको गुणा कर दूँ तो मुझे क्या तकलीफ है। 42 यह होता है 126, कैरी हुआ 12, 252 और 12, 264, 2646। ये 2646 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 618 में इसमें जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 4, 6, हासिल कुछ नहीं लगा, 2 और ये 3, तो 3264, 3264 टोटल ब्याज जो सोहित को प्राप्त हुआ होगा मोहित से वो इसके बराबर है। और मैं देख लेता हूँ कि 6300 + x इंटू 48/100 दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 3264। और ये हम हमारा आंसर निकाल लेंगे। 48 से इसको काटना कटना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है इसके पास। 48 × 1 = 48, 48 × 2 = 96, 48 × 2 = 288, 48 × 2 = 288, बिल्कुल सही है। 6 बार कटेगा, 288 में इसका भाग 6 बार जाने वाला है, और 48 से पूरा पूरा काट देते हैं, 12 और ये बचा 38, 384, फिर 208 बार भाग जाएगा। तो ये हो गया 68 × 100, 6800, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500। तो जो रुपए इसने इसको बढ़ा के दिए वो थे दोस्तों 500 रुपये बढ़ा करके दिए। तो उसने मोहित को कुल कितनी राशि उधार दी ये पूछा गया है, तो कुल राशि उधार दी 6800। अगर अगर हमें यही हल करना है तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। मैं इन सबको हटा देता हूँ और मैं तो ये मान लेता हूँ कि एक्स रुपये उधार दिए, तो सीधा ही मेरा आंसर आ जाएगा 6800 रुपये, एक्स इज इक्वल टू 6800। ये होता कि कितने रुपए मिलाकर दिए, तो मैं बोलता 500 रुपये मिला करके दे दिए। गुड, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 154, इसमें मैंने क्वेश्चन को महीनों में कन्वर्ट किया है, महीने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। आप करें, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें। चलिए साहब, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए नहीं, 8 माह के लिए, तो मेरे को जो ब्याज मिलेगा वो होगा 32/12% टोटल, और 5 × 15 होता है 75, 75/12%। तो पहले मैंने गुणा कर लिया, अब मैं इनको माइनस कर लूँगा तो इन दोनों का अंतर आएगा 43/12। तो प्रिंसिपल तो मुझे बताना ही है, रेट और टाइम दोनों की जगह कंबाइंड लिख दूंगा 43/12। 100 लिखना बिल्कुल ना भूलें, और डिफरेंस है दोस्तों 129। मार्कआउट शुरू कर दो, यूनिट प्लेस से सॉल्व कर सकते हैं। 3 की टेबल में 9 3 बार ही आता है, तो 3 बार कट जाएगा, 12 × 36, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3600। तो वह धनराशि कितनी है दोस्तों, वह धनराशि है 3600 रुपये। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कर लेंगे आप इस तरह के प्रश्न। गुड, एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ध्यान रखना इस वीडियो में, जो कि वापस फिर काम आएगा जी। वो प्रश्न था प्रश्न संख्या 136। आप वापस वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 जो मैंने आपको इसी वीडियो में कराया है उसका रेफरेंस लेंगे, तो ये सब कुछ आपको सेम मिलेगा और आंसर आपका आएगा 20,000। कि 400 रुपये तो भैया अंतर है, प्रिंसिपल बताना है, 2 का अंतर, वर्ष हो गया 1, और प्रिंसिपल आएगा हमारा 20,000, जो कि बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये हमारा आंसर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में ये लिखा है कि एक व्यक्ति 20 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, हम इसमें इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे। अ पर्सन हु पेज इनकम टैक्स एट द रेट 20 पैसा पर रुपी। दोस्तों ये 20 पैसा पर रुपी, 20 पैसे प्रति रुपए का मतलब होता है 20%। कैसे 20%? बहुत सिंपल है कि देखिए,
बीस पैसे ब्याज, सॉरी 20 पैसे टैक्स देता है, कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। और हम जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। भाई 100 पैसे पे 20 पैसे टैक्स देता तो हो गया ना 20%। सिमिलरिटी वाली बात है, सिमिलरिटी मेंटेन रखनी है, या तो दोनों को रुपए में लिखें या फिर दोनों को पैसे में लिखें। तो 20% ये पहले इनकम टैक्स देता है, उसके बाद इसकी इनकम 400 रुपये कम हो जाती है। तो अगर इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स की बात नहीं होती तो ये क्वेश्चन ठीक 136 जैसा ही होता, इनफैक्ट 136 ही होता। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 136, आपको वीडियो आगे पीछे ना करना पड़े इसलिए मैंने यहीं दिखा दिया। तो बिल्कुल सेम लैंग्वेज है और इसी कारण जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो बात नहीं बनेगी। क्यों बात नहीं बनेगी साहब? क्योंकि इसमें हमें इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट करना है जो अभी तक हमने किया नहीं है। तो दोस्तों ये इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट दो तरह से हो सकता है। आप मान लीजिए कि पहले ये टैक्स देता है और फिर ये अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो मान लीजिए पहले टैक्स देता है फिर ये अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो हुआ 20,000 रुपये। मान लीजिए इसकी इनकम है साल की 100, इमेज बना लेते हैं 20 रुपये टैक्स कट गया तो बचा 280 रुपये। जो 80 है वो 20,000 के बराबर है, तो जो 100 है एक्स का एक्चुअल कैपिटल वो एक्स के बराबर होगा। मार कुटाई कर दीजिए, 4 बार कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 × 2 25,000। तो दोस्तों इसकी जो पूंजी है वो इस प्रश्न में 25,000 है, जो कि एक्यूरेट मेरा आंसर भी होगा। वापस समझ लीजिए क्वेश्चन, हम ये मान रहे हैं कि ये व्यक्ति 25,000 रुपये सालाना कमाता है और चूंकि 25,000 रुपये साल के कमाता है, सरकार बोलती है भाई हमें टैक्स दो, तो ये पहले इनकम टैक्स भरता है 20%। 25,000 का 20% होता है 5,000, जो 5,000 हटने के बाद इसके पास बचते हैं 20,000, जो कि ये बैंक में इन्वेस्ट कर देता है। और ये 20,000 इन्वेस्ट करने के कारण जिसको ब्याज मिलता होगा, मिलता रहता होगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कमी हो गई जिससे इसकी इनकम 400 रुपये की कम हो गई। ये दोस्तों फर्स्ट केस था, जबकि हमने क्या माना है, हमने माना है कि पहले टैक्स भरता है फिर इन्वेस्ट करता है। दूसरा दोस्तों, दूसरा भी हो सकता है कि ये पहले इन्वेस्ट करता हो फिर टैक्स कटता हो, जिसे बैंक काटते समय बोलते हैं TDS। ये आपके बैंकिंग में, इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर कटौती, फुल फॉर्म आती रहती है, तो ये भी आपके काम आ सकता है। तो बैंकों में तो आप जानते हैं कि एक तय सीमा से ज़्यादा ब्याज मिलते ही FD पर या सेविंग बैंक खाते में भी बैंक को TDS काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराना ज़रूरी होता है भारत सरकार के आदेश अनुसार। तो हो सकता है कि पहले ये इन्वेस्ट करता हो फिर ये टैक्स भरता हो TDS हो। तो मान लेते हैं कि ये इसकी इनकम ही 20,000 है, ठीक बात है, इसकी इनकम ही 20,000 है और 400 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। तो 400 रुपये का लॉस इसको आफ्टर TDS हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ओल्ड जो होता 100 होता, 20 रुपये कम होकर के 80 पर आता और 80 बराबर है 400 के, तो ये बराबर होगा x के और x आएगा दोस्तों 500 रुपये। आप हल करके देख लीजिए, 80 से कटेगा 5 बार, 5 × 100 500। अब हम लगाएंगे PRT। अब जब हम PRT लगाएंगे तो 500 रुपये का अंतर माना जाएगा, 400 का नहीं माना जाएगा प्रिंसिपल, और ये 2/100। अब आप इसे हल कर लीजिए तो भी ये 25,000 आ जाएगा, 250 × 100 25,000, जो कि बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर है। तो जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, जो दोनों तरीकों का फ़र्क ये है कि पहले मैं इसमें PRT लगा रहा हूँ फिर मैं टैक्स का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इसमें पहले मैं टैक्स का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ फिर मैं PRT लगा रहा हूँ। तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं, और जो हाँ जो मुझे तरीका पसंद है वो तो बिल्कुल फिक्स ये वाला है कि आप PRT से अपना आंसर निकाल लीजिए, बाद में टैक्स का एडजस्टमेंट कर लीजिए, दैट्स इट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे तरह का 168 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं आपको इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक बताने से पहले स्वयं अपना आंसर निकालें, वीडियो पॉज कर लीजिए।
वापस आ जाइए, अब तक आपने हल कर लिया होगा। 168 दोस्तों दो पार्ट में सॉल्व हो जाएगा। 800 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज हुआ 120 रुपये 800 रुपये पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं निकाल लूँगा, टाइम 3 साल है, बट आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। 8 से कटेगा 15 बार, 5 से ये कट जाएगा 3 से 5 बार, मेरा आंसर आ गया 5%। अब नई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, क्योंकि इसमें प्लस 3 कर दिया लिखा हुआ है। तो धनराशि कितनी हो जाएगी, इसका मतलब प्रिंसिपल तो अभी भी 800 ही माना जा रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 मानी जा रही है, टाइम 3 ही माना जा रहा है। तो नया इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, 8 * 64 = 64 = 192, तो 192 रुपये का ब्याज हमें मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों पार्ट सी में जाएगा, क्योंकि मुझे नया ब्याज नहीं बताना है, मुझे नया राशि यानी कितनी हो जाएगी ये बताना है, मतलब मुझे अमाउंट बताना है। गलत क्वेश्चन पर टिक कर दिया, कोई बात नहीं। तो राशि कितनी हो जाएगी, इट वुड अमाउंट, तो देख लीजिए 800 रुपये तो आपके पास सही, ब्याज आपको मिलता है 192 रुपये का, तो कुल आपके पास हो जाएंगे 992 रुपये यानी 992। ये दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 3 पार्ट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया, और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप मन में ही सॉल्व कर लेंगे। भाई इमेज सिस्टम, बस जहाँ PRT नहीं वहाँ इमेज लगा दो। देखिए इस प्रश्न में कितना ब्याज मिल रहा है मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता, पर मुझे ये मालूम है कि मैंने जिस किसी बैंक में 800 रुपये जमा कराए, जिस किसी दर पे जमा कराए होंगे, और मुझे वापस 920 रुपये मिल रहे हैं। अगर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो 920 तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे ना, सिंपल सी बात है, वो तो मुझे पहले भी मिल रहे थे, वो मुझे अब भी मिलेंगे। रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बढ़ गई 3%, कितने प्रतिशत, 3%, तो 3% तो हर साल मुझे ज़्यादा मिलेंगे, और प्रश्न कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का, 3 * 9% तो इमेज के थ्रू मैंने ये पता कर लिया कि भैया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है वो 9% है। 9% कैसे आया, 3% हर साल का, तो 3 साल के लिए हो गया 9%, 1 साल के लिए, ठीक बात है। किसका 9% दोस्तों, 800 का 9%, 800 का 1% होता है 8, और 8 * 9 = 72, तो 72 रुपये दोस्तों मुझे ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है। जितना भी ब्याज मुझे पहले मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और 72 रुपये मुझे ज़्यादा मिलेंगे। तो पहले मुझे टोटल मिल रहे थे 920 रुपये, इस 920 में अगर मैं 72 यानी 72 जोड़ दूँ, इट विल बिकम 992, तो ये 992 हो जाएगा। अब बताइए कैसे लगे आपको मेरी ट्रिक, है ना मज़ेदार, देखते ही आंसर कर सकते हो, मन में करने की कोशिश करें, मैं जनरली ऐसे क्वेश्चन मन में ही करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आप मन में करने की कोशिश करें, 169। जब भी प्रश्न हल करें वीडियो पॉज कर लीजिए, कर लिया कीजिए, ठीक है। हाँ भाई साहब, 1000 रुपये के मेरे 1200 तो हो ही जाते हैं, और 2% अगर ब्याज दर बढ़ा दी 4 वर्षों के लिए तो 8% हो गया। किसका 8%, भैया प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल है 1000, 1000 का 10% होता है 10, और 10 * 8 = 10 होगा 80 रुपये, तो 1200 रुपये तो मुझे पहले ही मिल रहे थे ना भैया, 1200 तो अभी भी मिलेंगे, 1200 + 80 रुपये मुझे और मिलेंगे, तो मेरे को कुल मिला के मिलेंगे 1280 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर था 169, क्लियर, गुड। एक और क्वेश्चन करें 178, थोड़ा सोच समझ के करना दोस्तों, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, हाँ मन में करने की कोशिश करें, गुड। तो आप समझ गए कि 2% ब्याज ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2% ब्याज कम मिलेगा। किसका 2% ब्याज, 2100 का, 2100 का 1% ब्याज होता है 21, 21 * 2 = 42 रुपये मुझे कम मिलेंगे। तो पहले जो मुझे मिलते थे वो मिलते थे 2352, 2352 में अगर मैंने 42 कम कर दिए तो बचे 2310, और अगर आपने आंसर 2310 करा तो ये गलत चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे नया ब्याज पूछा है, ना कि नया मिश्रधन। वॉट इज न्यू इंटरेस्ट, तो नया ब्याज क्या है। तो दोस्तों ब्याज कैसे निकालेंगे आप जानते हैं ना, 2310 चूँकि अमाउंट है, इसमें से आप 2100 रुपये यानी प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो ब्याज बचा दोस्तों 210 रुपये, तो नया ब्याज 210 रुपये होगा।
मैंने क्वेश्चन देने से पहले ही आपको सावधान कर दिया था, सावचेत कर दिया था कि सोच समझ कर करें। अच्छा प्रश्न है, चलिए एक और प्रश्न का हम जिक्र करते हैं। 179 देखेंगे हम। बहुत बहुत शानदार क्रीम क्रीम क्वेश्चन है, मेरा तो फेवरेट है। काफ़ी सारी किताबों ने इस प्रश्न को दिया भी है और बहुत मज़ा आता है इस प्रश्न को पढ़ने में। वीडियो पॉज कर लीजिए, बैक टू द वर्क। हाँ, तो अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि 14% लिख देते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट 1750 है और प्रिंसिपल पता नहीं कुछ ना कुछ करकुरा करके कुछ भी जुगाड़ वुगाड़ करके 14 से काट देते हैं। 14 एकम 14, 35 में 2 बार, फिर 5 बार, तो 12,500 अपना आंसर या कुछ भी निकाल देते हैं। सब गलत है दोस्तों, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ही नहीं। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि ब्याज 2% अधिक होता, पर देखो क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया है। अगर मैं बात करूं कि अमुक राशि 7 वर्षों के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1750 रुपये का ब्याज देती है, तो अब अगर ब्याज जो है वो R+2 हो जाए तो आप बताओ कितना ब्याज अधिक अर्जित होगा। आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि इक्वेशन तो 2 बनी और वेरिएबल 3 हो गए। कौन कौन से 3 वेरिएबल? पहला वेरिएबल P नहीं पता, दूसरा वेरिएबल R नहीं पता, और तीसरा जो मुझे नया इंटरेस्ट बताना है X, वो नहीं पता। इसका सही आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये CND वाले प्रश्न समझ में नहीं आते। उन्हीं के लिए मैंने विशेष ये प्रश्न डाला है कि आप इक्वेशन बना लीजिए, समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों के समझ में आ जाता है इजीली, इनकी समझ में नहीं आता है। कोई भी डाउट हो कभी भी इक्वेशन बनाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन मेरे पास में 2 ही है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता। मैं क्या, दुनिया का कोई भी गणितज्ञ इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता। तभी तो बोलेंगे CND, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकत बा। एक और क्वेश्चन 180, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको, आनंद आ जाएगा आपको जीवन में। चलिए, काफ़ी सारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट की बात समझा दूं, कंसेप्ट के बाद फिर मैं यहीं रहने दूं, चलो यहीं रहने देते हैं, कंसेप्ट के बाद फिर मैं इसकी ट्रिक पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों कंसेप्ट यह है कि ए के पास 800 रुपये हैं, जो कि साल के 12% ब्याज कमाते हैं। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है, या मैं ठीक तौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, तो इंटरेस्ट जो इस पर जनरेट होगा पर एनम 12,896 रुपये होगा। बी के पास 910 रुपये हैं, जो कि ज़्यादा हैं ए से, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जनरेट कर रहा है वो 10% पे कर रहा है, तो ये हर साल 91 रुपये जनरेट करेगा। तो बी के पास तो जो पूंजी है, जो कैपिटल है, जो प्रिंसिपल है, वो ज़्यादा है, और ए का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण ए को ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए अभी इन दोनों के बीच में कुछ फासला है, कितना फासला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 110 रुपये का अंतर है। ये 0 वर्ष की गणना है प्रेजेंट। अब 1 साल बाद देखिए क्या होगा, 1 साल बाद ये ब्याज जुड़ चुका होगा, बिल्कुल जुड़ चुका होगा, तो 896 रुपये हो जाएंगे, और 91 इसमें जोड़ दूंगा तो 1001 रुपये हो जाएंगे। अभी भी यही अधिक है, कितना अधिक है, अब 105 रुपये अधिक है, जबकि 1 साल बीत चुका है। 1 साल अगर और बीत जाए तो देखिए क्या होता है, 96 रुपये और जोड़ दीजिए, 6 में 6 में 4 कम करें तो ये हो गए 992, और इसमें 91 जोड़े तो 1092। अभी भी दोस्तों ये अधिक है, और इस बार अधिक है ये 100 रुपये। तो देखिए क्या हो रहा है, शुरुआत में बी 110 रुपये ज़्यादा था, फिर ए को 5 रुपये ब्याज ज़्यादा कमाया ए ने, तो 5 रुपये का अंतर कम हो गया, फिर 5 रुपये का अंतर कम हो गया, फिर 5 रुपये का अंतर, इस तरह करते 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 कभी ना कभी ये 110 रुपये का अंतर भी खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है?
बिल्कुल इजी गोइंग है। तो जिस दिन इन दोनों प्रिंसिपल, इन दोनों की राशियों का अंतर जीरो हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों में रेस लगी हुई है, दोनों दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, एक खरगोश है, खरगोश के पीछे एक हिरण है, दोनों भाग रहे हैं दोनों भाग रहे हैं दोनों भाग रहे हैं, खरगोश आगे चल रहा है, खरगोश हिरण से कितना आगे है, 110 मीटर आगे है, और खरगोश आगे भागे जा रहा है, हिरण उसके पीछे भागे जा रहा है, हिरण की जो स्पीड है वो खरगोश से 5 ज़्यादा है, खरगोश 110 मीटर आगे है, हिरण हर सेकंड में 5 मीटर आगे जंप कर जाता है, ज़्यादा चलता है तो हर सेकंड 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे करते करते 110 मीटर की डिस्टेंस 110/5 22 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 22 वर्ष। कैसे 22 वर्ष? करते जाएँ करते जाएँ, हम जानते हैं 110 रुपये का अंतर ख़त्म करना है, हर साल 5 रुपये का अंतर ख़त्म हो रहा है तो पूरा का पूरा अंतर ख़त्म हो जाएगा 22वें साल में। 22 साल बाद दोनों प्रिंसिपल बराबर होंगे। अब चाहें इसे PRT से करके देख लीजिए कि 800 रुपये का 1 साल का ब्याज मैं जानता हूँ 96 है, तो 96 × 22 कर देते हैं, 22 × 132 होता है, हासिल लगा 13, 200 198 और 13 211, 2112 ये इंटरेस्ट हुआ इसका, 910 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट 91 है, 91 × 22 करते हैं, 22 × 22 होता है, हासिल लगा 2, यहाँ मिलेगा 2002 रुपये ब्याज। तो देखिए 800 रुपये थे और 2122 और जोड़ दे तो टोटल हो गया 2912, और इसमें ये दोनों जोड़ दे तो भी हो गया 2912, और ठीक 22 साल बाद दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। PRT से अगर मैं इसे करता हूँ तो मुझे बहुत लेंदी पड़ेगा, और आप प्लीज़ इसे कॉपी कर सकते हैं। गुड, इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं आपको जुगाड़ ट्रिक बता देता हूँ। करना क्या होता है कि जो भी प्रश्न आपको दिख रहा है, इसमें धोखेबाजी भी होती है एग्जाम में, ध्यान रखना, जो भी प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले उन दोनों के प्रिंसिपल का अंतर देख लीजिए, 800 और 910 का अंतर हुआ 110 रुपये, यहाँ से प्राप्ति होगी 96 रुपये की, यहाँ से प्राप्ति होगी 91 रुपये की। ध्यान रखना जो प्रिंसिपल ज़्यादा है उसका ब्याज कम होना चाहिए, तो 5 रुपये का अंतर आया, बस 5 का भाग दे दीजिए, मेरा आंसर आ गया 22 साल, है ना जोरदार क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन, ये ट्रिक तो हो ही गई, इस ट्रिक से आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। 181 181 पे आ गए, ठीक है 181। वीडियो पॉज कर लीजिए, स्वयं करने की कोशिश करें, अंतर है 400 रुपये का, 1000 का 30% होता है 300, 2400 का 20% होता है 280, दोनों का अंतर हुआ 20, 20 से भाग दे दीजिए तो 20 साल बाद दोनों के मिश्रधन क्या होंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। क्लियर? बहुत एक और जोरदार क्वेश्चन देख रहा हूँ, बहुत सोच समझ के करना, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से अपना आंसर निकाल लीजिए। तो आंसर आप निकाल रहे हैं 10 साल, वेरी गुड ग्रेट, गलत है। कई लोगों ने क्या करा है देखिए, 700 और 600, 100 रुपये का अंतर रख दिया, इस पे ब्याज प्राप्त हो रहा है 70 रुपये, इस पे ब्याज प्राप्त हो रहा है 60 रुपये, दोनों का अंतर हुआ 10 रुपये, और 10 इसके नीचे रख दिया और यहाँ लिख दिया 10 साल। बस दोस्तों यहीं गड़बड़ कर दिया आपने, आपने ये नहीं समझा, मैंने आपको हिदायत दी थी, आपको मैंने आगाह किया था, सावचेत सावधान किया था कि एक बार ये जरूर चेक कर लो कि भाई हो क्या रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में जो ए का प्रिंसिपल है वो 800 है और जो बी का प्रिंसिपल है वो 910 है, यानी प्रिंसिपल में ये ज़्यादा है तो ये ब्याज में कम है और ब्याज में ए ज़्यादा है, हो रहा है इस प्रश्न में ऐसा। 181 में देखिए 1000 रुपये ए के पास है, 1400 रुपये बी के पास है, तो बी अधिक है, 300 रुपये ब्याज ए को मिल रहा है, 280 रुपये ब्याज बी को मिल रहा है, तो उसका ब्याज मिलने वाला, हर साल मिलने वाला ब्याज ज़्यादा है, जबकि जब आप ये प्रश्न देखते हैं तो ए के पास ही 700 रुपये हैं जो कि ज़्यादा है और ब्याज भी 700 रुपये पर ज़्यादा मिल रहा है, तो ये भी ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर मैं प्रेजेंट स्थिति से आपको वाकिफ कराऊं तो 100 रुपये का अंतर है, और 1 साल बाद की स्थिति से मैं आपको वाकिफ कराऊं तो
दोस्तों 110 रुपये का अंतर है। ये अंतर हर वर्ष बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और दोस्तों ये नदी के वो दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते, दे कैन नेवर बी इक्वल। ये दोनों प्रिंसिपल कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना? आपको मज़ा बहुत ज़ोरदार। एक और क्वेश्चन देखिए जो एसएससी टीयर 2 में कई बार पूछ चुका है, रिपीट करता है इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और मन में ही कर लेंगे। वीडियो पॉज करें, करें। चलिए वापस आते हैं। तो स्पष्ट सी बात है कि क्यू जो है ना वो पी से ज़्यादा है, तो मेरा एक आंसर ऐसा होगा जिसमें क्यू माइनस पी लिखा हो ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर मैं प्रिंसिपल लिखूंगा। पहले मैं क्यू माइनस पी लिखा है, मैं इसे होल्ड पे रख लेता हूँ, सही नहीं मानेंगे क्योंकि हो सकता है एक से अधिक प्रश्नों में ऐसा हो, ऐसा ऑप्शन हो। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा, फर्स्ट ऑप्शन क्यू माइनस पी। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही प्रश्न इजीली हल हो जाता है। और वैसे मगर दोस्तों मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 187 सॉरी 189 दोस्तों, एक नए तरह का प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बहुत ध्यान से कीजिए। वैसे तो बहुत आसान है, इमेज में कन्वर्ट कर लीजिए, हिंट मैं आपको दे चुका हूँ। वीडियो पॉज कीजिए और फिर हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। चलिए बिल्कुल आसान है, इमेज में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 × 2.5, 2.5 यानी 2.5, 7.5%, 7.5% जो है किसी संख्या का वो 540 होता है, तभी तो 540 पर अधिक ब्याज मिल रहा है। तो बस 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो हटा दीजिए, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 40 बार, 18 तिया 54, 180 × 4, 18 दूनी 18 चौक 72, 72 के आगे 2 जीरो, मेरा आंसर आ गया 7200। बिल्कुल आसान दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये आपका होमवर्क रहा, 127 से 197 के क्वेश्चन तक, पिंक रंग वाली बुकलेट में से, जो ये बुकलेट है पार्ट 2 की, जिसमें टोटल 5 चैप्टर मैंने कवर करें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। साइज आप देख रहे हैं, 2200 से भी ज़्यादा प्रश्न है केवल इन 5 चैप्टर्स के लिए। इन 5 चैप्टर की DI भी है, इन 5ों चैप्टर की डेटा सफिशिएंसी भी है, बहुत बेहतरीन एक से एक क्वेश्चन है। जिन लोगों के पास नहीं है वो नीचे, मैंने वीडियो के नीचे लिंक पेस्ट कर दिया है, लिंक से आप PDF डाउनलोड कर लें और होमवर्क ज़रूर करें। होमवर्क करेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ही सब कुछ सही चलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो अच्छे से अच्छे देखेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।